बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद शमीम्स डॉटर। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं एग फ्राइड राइस और चिकन सेशलिक। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने चावल को जो है वो बॉईल कर लेते हैं और उसके बाद हम सेशलिक तैयार करेंगे। तो हम जो है एग फ्राइड राइस बनाने के लिए जो चावल को बॉईल करेंगे उसके अंदर जो है हम सिर्फ क्या गया नमक को ऐड करेंगे। यहाँ पे हम 2 टेबलस्पून नमक ऐड कर देते हैं और हम जो है 1 चम्मच जो है यहाँ पे ऑयल की इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इसमें कोई भी जो है सफेद जीरा या कोई भी फूल वगैरह जो है ऐड नहीं करेंगे, वो हम बिरयानी के लिए ऐड करते हैं। इसमें सिर्फ जो है हम नमक और थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। अब पानी को जो है बॉयल होने के लिए रख देंगे। जी तो यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे। घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जी तो हमारा घी गर्म हो गया है। यहाँ पे जो है मैंने 3 अंडे लिए थे जिनको मैंने पहले ही बीट करके रख लिया था, थोड़ा सा नमक डाल के। ठीक है, अब हम ये इसके अंदर डाल देंगे जल्दी से जो है इसको। जी तो अंडा जो है आप देख सकते हैं फ्राई हो गया। अब यहाँ पे जो है हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। हाफ टेबल स्पून जो है यहाँ पे हम नमक ऐड कर देंगे। वैसे तो जो है इस फ्राइड राइस के अंदर जो है हम जो मिर्च का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन हमारे घर जो है थोड़ा सा स्पाइसी पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून जो है पिसी हुई काली मिर्च भी ऐड कर दी है। जी तो अब जो है हम इसमें जो हमने चावल बॉईल करके रखे थे वो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा ग्रीन प्याज जो है वो भी ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके 5 से 6 मिनट के लिए जो है हम इसे दम पे रख देंगे। जी तो हम जो है चिकन सेशलिक बनाने के लिए सबसे पहले ये पैन लिया है और अब इसमें हम 2 चम्मच जो है ऑयल ऐड करेंगे और फिर हम यहाँ पे 1 चम्मच लहसुन अदरक ऐड कर देंगे। ठीक है, और अब जो है हम इसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने के लिए रख देंगे और फ्लेम जो है वो हमने हाई ही रखनी है। ठीक है, तो अब क्या है हम चिकन सेशलिक के लिए अच्छा सा जो सॉस है वो रेडी कर लेंगे। लहसुन को हमने जो है लाइट ब्राउन से कर लिया है, अब हम इसमें यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस जो है वो ऐड करेंगे। टेबलस्पून जो है ये मैंने यहाँ पे मैंने पिसी हुई चीनी ली है, ये ऐड कर देंगे। और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे काली मिर्च ली है, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और 1 टेबलस्पून ही जो है हम यहाँ पे नमक लेंगे। तो यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा सोया सॉस भी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा सिरका ऐड करेंगे, ठीक है, इस
से मिक्स कर देते हैं। फ्लेम हमने हाई ही रखनी है। आधा ग्लास जो है हम यहाँ पे पानी का ऐड कर देंगे। जी तो पानी को थोड़ा सा जो है पकने देते हैं। यहाँ पे जो है मैंने 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के लिए हैं। अब इसमें हम जो है थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसे ही कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करते हैं क्योंकि इससे गुठली जो है वो बन जाती है और फिर अच्छे से मिक्स नहीं होता और अच्छा भी नहीं लगता है। थोड़ा सा पानी हम और ऐड कर लेते हैं, गुठली को अच्छे से ख़त्म कर लेना है हमें। जी अब हम जो है कॉर्नफ्लोर को इसमें ऐड कर देंगे। सॉस को गाढ़ा करने के लिए हमने जो है कॉर्नफ्लोर का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। जी तो आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत अच्छा सा गाढ़ा सा जो है सॉस वो रेडी हो गया है। जी तो अब जो है हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे। यहाँ पे जो है मैंने 1/2 kg चिकन लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे पिसी हुई सुरख मिर्च ऐड कर देंगे। 1/2 tablespoon यहाँ पे नमक की ऐड करेंगे क्योंकि थोड़ा सा नमक जो है वो हमने सॉस में भी ऐड किया है। और 1 tablespoon ही हम यहाँ पे काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे सिरका वाइप जो है वो इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा सा ही जो है हम यहाँ पे सोया सॉस लेंगे। अब जो है हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जी तो हमने जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और जब अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। जी तो यहाँ पे मैंने जो है 2 चम्मच ऑयल के पहले ही पैन में डाल लिए थे। अब हम क्या करेंगे, अपने चिकन को जो हमने मैरिनेट करके रखा था उसको फ्राई कर लेंगे। ठीक है, उसको इसके अंदर डाल देते हैं। देख सकते हैं कि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से फ्राई हो गया है। ठीक है, फ्लेम जो है हमने इसके लिए भी हाई ही रखी है। ठीक है, अब हमारा चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो गया है तो अब यहाँ पे जो है हम शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और प्याज ऐड कर देंगे और इसको जल्दी जल्दी मिक्स करना है। प्याज और शिमला मिर्च को हमने जो है डाल दिया तो अब हम इसे जो है सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो है हमारा प्याज और जो शिमला मिर्च है वो खड़ा खड़ा ही रहे। जी तो 1 से 2 मिनट हो गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमने जो सॉस रेडी किया था वो हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और अब हम इसको अच्छे से जो है मिक्स कर देंगे। जी तो आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही मज़े का जो है यमी सा चिकन शैशलिक जो है वो रेडी हो गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको सर्व कर लेते हैं। जी तो हमारे एग फ्राइड राइस और जो हमारा चिकन शैशलिक है वो रेडी हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको सर्व किस तरीके से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है मैंने एक बाउल में जो है चावल लिए। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे एक साइड पे। एक साइड पे जो है हम यहाँ पे शैशलिक को ऐड कर देंगे। जी तो आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही मजेदार के जो एग फ्राइड राइस और चिकन शैशलिक जो है वो रेडी हो गया है। अब हम इसको खा के टेस्ट कर लेते हैं कि ये किस तरह के बने। जी तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।